के जहन में फटे कपड़े पहने और हाथ में कटोरा लिए इंसान की तस्वीर आती होगी। लेकिन बदलते जमाने के साथ अब भिखारी भी खुद को अपडेट कर रहे हैं। अब आप उनके सामने छुट्टे नहीं हैं का बहाना नहीं बना सकते हैं। जी हाँ, आज हम आपको एक ऐसे इंसान से मिलाते हैं जो QR कोड के जरिए लोगों से भीख मांगता है। तस्वीर बेतिया की है, जहां रेलवे स्टेशन और उसके आसपास भीख मांगने वाला राजू अपनी गर्दन में QR कोड की तख्ती लटकाकर घूमता है और चेंज नहीं होने पर लोगों से डिजिटली पैसे भी लेता है। मंदबुद्धि होने के कारण नौकरी नहीं मिलने पर पिछले 30 साल से भीख मांगकर गुजारा करने वाले राजू का कहना है कि कैश में उसे 1 से 2 रुपए मिलते थे, लेकिन डिजिटल पेमेंट में अब 10 से 20 रुपए तक मिल जाते हैं। यार मोबाइल में जो सब चीजें हैं जो दिल्ली जाते हैं 100 रुपया भेजते हैं गामा पंखा के लेते हैं। ये क्या है? ये क्या है? डिजिटल। अच्छा, कहीं देता है लोग 1 रुपया 2 रुपया देता है लोग, इसमें 10 रुपया 20 रुपये जाता है। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया कैंपेन से प्रभावित होकर उसने ऐसा करने का सोचा। हालांकि खाता खुलवाने में उसे दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। राजू लालू यादव का भी बहुत बड़ा फैन है। उसने बताया कि लालू जब रेल मंत्री थे तो खाने के लिए पास बनवा दिया था, लेकिन रेल मंत्री पद से हटने के बाद वो बंद हो गया। लालू जी को कब से जानते हैं? 95 से। हाँ। आपके लिए वो क्या किए थे? कुछ नहीं किए। अरे सुनने में आया था आपके लिए पास भी बना हुआ था ट्रेन में सफर करने के लिए। नहीं, पास नहीं बना था, हम खाने खाती पास बना। अच्छा अच्छा कहीं जाती भी जाना था उधर जाती भी का खाने। अच्छा अच्छा अगर उधर मंत्री है हर जगह खाना खाना सब। लोगों का भी कहना था कि खुले पैसे नहीं रहने पर डिजिटल सुविधा होने की वजह से ही वो भिखारी की मदद कर पाए। लोगों के पास कभी पैसा नहीं रहता है, ऑनलाइन सबके पास पैसा रहता है, तो आप चाहें तो ऑनलाइन माध्यम से भी पैसा दे सकते हैं। कौन आदमी था वो? एक भिखारी है, पैसा मांग रहे थे, हमारे पास चेंज नहीं था तो हमने फोन पे किया है। राजू की इस कहानी की हर तरफ चर्चा हो रही है। दावा है कि QR कोड से पैसे मांगने वाला राजू बिहार ही नहीं बल्कि देश का पहला डिजिटल भिखारी है। बेतिया से जितेंद्र गुप्ता के साथ न्यूज डेस्क ETV भारत।